नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश वर्मा, आप देख रहे हैं मेडिसिन किंग। तो आज हम एक नए प्रोडक्ट लेकर आए हैं आपके लिए जिसका नाम है पावर जेल। और मैं दोस्तों बता दूं, ये जेनरिक प्रोडक्ट है। आज हम इसके गुणों के बारे में जानेंगे, कौन से कंपनी का प्रोडक्ट है उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो के अंदर बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो का नया अपडेट आपको मिल सके। तो आप देख सकते हैं फ्लस जेल सिरप मेरे हाथ में है और ये मार्केट में बिकने वाला बहुत ही अच्छा सिरप है और बहुत ही ज़्यादा बिक रहा है फ्रेंड। तो चलो इसके हम MRP के बारे में जानेंगे। तो MRP इसका 66 रुपये और एक्सपायरी डेट आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और मैं बता दूँ, ये शेड्यूल H प्रिस्क्रिप्शन ड्रग में आ चुका है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको ये कहीं नहीं मिलेगा और बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप इस सिरप को यूज़ भी ना करें। तो ये 30 ml में आता है। इसके कंटेंट के बारे में जाने तो इसका कंटेंट है ओफ्लोक्सासिन मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन। और इसके कंटेंट यहाँ पर मिलीग्राम सॉरी पड़े हुए हैं, 100 mg है इसमें मेट्रोनिडाजोल और 50 mg है ओफ्लोक्सासिन। और ये सिप्ला की आप यहाँ पर ब्रांडिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी ब्रांडिंग सिप्ला की है, आप देख सकते हैं कि इससे पता लगेगा कि आपने ओरिजिनल फ्लाजिल सिरप ख़रीदा है। तो फ्रेंड आइए इसके यूज़र्स के बारे में हम जान लेते हैं, इसको कौन सी कंडीशन में लेना है। तो अगर आपका बच्चा फ्रेंड लूज मोशन लगे हुए हैं आपके बच्चे को, या दस्त, जैसे कि दस्त की समस्या, डायरिया की समस्या हो, तो उस कंडीशन में इस सिरप को आप दे सकते हैं। तो आइए डिटेल से मैं बता देता हूँ आपको। तो जिन बच्चे को दस्त लगते हों, बार बार पत्ते दस्त लगते हैं, या डायरिया बहुत ज़्यादा है, या कान में कोई संक्रमण है, कान में से रेशा निकलती है, तो उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। अगर मल के साथ खून आता है, दस्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी होती है, मल में खून आता है, तो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही गुणकारी सिरप है। तो और भी इसके इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि बैक्टीरियल संक्रमण हो, या स्टोन सॉरी स्टमक में पेन हो, या बार बार खून पेशाब में खून आना, या मसूड़ों में सूजन, या दांतों में से खून आना, या पेचिस, ऐसे कुछ सिम्टम दिखते हैं, तो आप उस कंडीशन में सिरप का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसके इस यही यूज़र्स हैं। और साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो साइड इफ़ेक्ट कुछ ऐसे हैं कि उल्टी आ सकती है बच्चों को, या बुखार आ सकते हैं, या मितली उल्टी कुछ ऐसा दिखता है, तो इस सिरप को बिल्कुल यूज़ ना करें। तो मैं यही सलाह दूंगा कि अपने डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल यूज़ ना करें। तो इसके डोजेस बता देता हूँ, सुबह शाम 5-5 ml। अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो सुबह 5 ml, शाम को 5 ml, दो टाइम दें और मैक्सिमम 3 डेज तक पिलाएं, और बिल्कुल आपकी इन्फेक्शन क्रिटिकल है जो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर उससे छोटा है तो आप 2.5 ml दे सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।